वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स, दिस इज सर्किट डिजाइन पार्ट 21। तो इससे पहले मैंने बताया था कि डीसी बक बूस्ट कन्वर्टर बताऊंगा, तो वो वाला जो आएगा पार्ट वो बाद में आएगा। अभी हम लोग लेजर कम्युनिकेशन वन वे के बारे में जानते हैं। लेजर कम्युनिकेशन हम लोग 1 से 2 किलोमीटर तक किस तरह से कर सकते हैं वन वे। तो लेजर कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लेजर और फोटोडायोड का जरूरत पड़ेगा, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेजर ही कम्युनिकेशन करेगा। लेजर का जो वेव निकलेगा उसी में सारा का सारा सिग्नल छुपा रहेगा, उसी से सिग्नल ट्रांसमिट होगा और फोटोडायोड उसको रिसीव करके कैपेसिटर उसको फिल्टर करके फिर वो आगे सिग्नल को पास करेगा। तो सबसे पहले मेन है कि यहाँ पे हम माइक है, अगर म्यूजिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यूजिक में उतना स्ट्रेंथ रहता है कि ये आईसी को ड्राइव कर सके LM358 को। लेकिन माइक है तो माइक का सिग्नल बहुत ही वीक होता है, उसके लिए हमको प्री एम्पलीफायर स्टेज लगाना पड़ेगा, क्लास ए एम्पलीफायर। तो हम लोग माइक को बायस कर दिए 10K के 5K वोल्टेज दे दिए, उसके बाद 10 माइक्रोफ़ारड से ये सिग्नल माइक के पास हो जाएगा। फिर ये वन ये जो ट्रांजिस्टर है BC 542 से 2M22 वो क्या करेगा कि इस प्री जो सिग्नल है बहुत ही अनमेच्योर सिग्नल है उसको ये प्री एम्पलीफाई कर देगा, उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर देगा, तो उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाएगा और उसको कैपेबल हो जाएगा ये आईसी को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि ये आईसी नॉर्मल माइक से ड्राइव नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसको ड्राइव करने के लिए हम लोग को एक प्री एम्पलीफायर स्टेज का एक ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा। तो ये माइक यहाँ पे इसको साउंड को पिकअप कर लिया, इसका साउंड बहुत अनम्यूचुअल है, इसलिए हम लोग प्री एम्पलीफायर का स्टेज लगाए हैं 47K 10K और ये इसका बाइसिंग है 1K और 104 PF, इसको 104 का एक PF आता है वो वाला इसमें लगाए, वो एक्चुअली उसका वैल्यू पिकोफराइड में होता है, तो 100 पिकोफराइड इसका वैल्यू होता है। तो ये 10K बाइसिंग रेसिस्टर है, उसके बाद 10 माइक्रोफराइड फिर से सिग्नल को पास करने के लिए। तो एक्चुअली यहाँ पे एक पॉट लगाया 47K का, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल जाएगा वो अगर एक्स्ट्रा इंटर कर गया या फिर इसको मैच करने के लिए इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यहाँ पे एक 47K का यहाँ पे लगा सकते हैं आप, यहाँ पे पॉट वेरिएबल रेसिस्टर और फिर यहाँ से जो सिग्नल आएगा वो इंटर करेगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये देखो LM358 ये आईसी है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है। तो ये जो लेजर चलेगा, ये लेजर ऐसा नहीं कि ओवर बाइस हो जाए, लेजर जब चलेगा तो लेजर कंटिन्यूअस ऑन नहीं होना चाहिए, ऑन ऑफ स्टेज में होना चाहिए, बढ़िया से ऑन ऑफ स्टेज में होगा तभी यहाँ पे जो ये जो सिग्नल है वो बना पाएगा और ये सिग्नल निकाल पाएगा। अगर ये कंटिन्यूअस बन जाता है, ये ओवर बाइस हो गया अगर LM358 तो ये कंटिन्यू ये ऑन ऑफ स्टेज में सिग्नल को उस तरह से नहीं दे पाएगा, इसलिए हमको ऑन ऑफ स्टेज को मेन सेट करना होगा। इस लेजर को ऑन ऑफ स्टेज में सेट करना होगा, उस पॉइंट पे सेट करना होगा ऑन ऑफ स्टेज पे, जहां से ऑन ऑफ जैसे सिग्नल ट्रांसमिट हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसीलिए ये वाला पॉट लगाए हैं कि ये जो LM358 ओवर बाइस ना हो जाए, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस मोड में रखे, लेजर को ऑन ऑफ मोड में। तो ये फिर इसको हम सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए जब यहाँ पे सारा सिस्टम जब कर लेंगे उसके बाद ये सब सेट होता है लास्ट में जाके। तो इसके बाद यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट डीसी बायस देना है, यहाँ से डायरेक्ट जो आउटपुट निकलेगा LM358 का उसको डायरेक्ट लेजर में डाल देना है, कैपेसिटर में डाल दीजिएगा तो फिर ये लेजर ऑन नहीं होगा, फिर ये ऑफ ही स्टेज में रहेगा। तो इसको जो यहाँ पे जो निकलेगा पावर, यहाँ पे डीसी पावर निकलेगा उसको लेजर ड्राइव करेगा और लेजर ऑन ऑफ मोड में रहेगा। और यहाँ से फोटोडायोड या सोलर पैनल आप ले सकते हैं, सोलर पैनल लगा के आप डायरेक्ट सिग्नल निकाल सकते हैं, लेकिन उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड थोड़ा छोटा होगा। तो यहाँ पे आप 100 माइक्रोफ़ारड का कैपेसिटर 16 वोल्ट का लगा सकते हैं और यहाँ से जो सिग्नल निकलेगा LM385 LM386 जो बेस्ट ऑडियो एम्पलीफायर है उसको डालेंगे और उसमें गेन जो 2 कैपेसिटर आता है गेन का वो बहुत ज्यादा ही हाई कर देंगे, 100 माइक्रोफ़ारड उसमें भी डाल देंगे कैपेसिटर। तो इससे हम लोग इस तरह से लेजर कम्युनिकेशन वन वे हो जाएगा, मतलब यहाँ से माइक जो भी बोलेंगे यहाँ पे लाउड स्पीकर पे ये आउट होगा और ये लेजर के थ्रू बहुत ही लॉन्ग रेंज 2 से 3 किलोमीटर जिस तरह से लेजर आप लगाइएगा 1 वाट 60 मिली वाट 600 मिली वाट उस तरह से लेजर का डिस्टेंस कवर होगा। आप लोग जिस तरह से लेजर लगाइएगा उस तरह से लेजर और लेजर का स्पीकर सबसे मेन होना चाहिए कि वो 5 वोल्ट पे ही अगर रन करना चाहिए, उसका एम्पियर
एम्पियर घटा बढ़ा सकते हैं। उसका आता है 1 वाट का लेजर आता है, 16 मिली वाट का लेजर आता है, तो इस तरह से लेजर का वाटेज डिसाइड होता है, तो उस हिसाब से लेजर लगाइए। और लेजर को यहाँ पे आपको फोटोडायोड पे सेंटर करना होगा, फोटोडायोड, ये फोटोडायोड पे सेंटर करना होगा। यहाँ पे सोलर पेस्ट लगाइएगा, फोटोडायोड लगाइएगा तो फिर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे सोलर लगाइए, क्योंकि फोटोडायोड जो होता है उसका जो सिग्नल आता है बहुत ही वीक आता है, इसीलिए सोलर पैनल लगाइए, छोटा वाला सोलर पैनल, वो बढ़िया स्ट्रेंथ का होता है, वो उसमें आपको अच्छे से वर्क करेगा। और ये सोलर पैनल लगाइएगा, इसको एक्स्ट्रा बाहर से रोशनी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इंटरफेस कर जाएगा, यहाँ से जो लेजर जाएगा वो उसके साथ इंटरफेस कर जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर एक कवर लगा दीजिएगा, क्योंकि फिर से इंटरफेस ना करे, इसीलिए जो सोलर पैनल है इस तरह से सोलर पैनल रहता है, ये इंटरफेस ना करे तो अच्छा रहेगा। अगर वहां फोटोडायोड लगाइएगा तो फिर आपको इंटरफेस सिग्नल बहुत वीक आएगा, इसके लिए फिर से LF3 फेड IC लगाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत का काम करेगा। अगर ये सब आपको दिक्कत नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर लगा के भी आप सारा का सारा काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अगर सिग्नल आपके पास है, माइक का सिग्नल आपके पास है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप LF3 फेड AC भी नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप एक ट्रांसफॉर्मर से भी कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर से भी काम करता है।